हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। जैसे जैसे नागिन की डेट आ रही है कि ये जो है जल्दी ही दस्तक देगा, वैसे वैसे नागिन से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि एक्टर ने जो है नागिनों पे कितना पैसा बरसाया, या फिर जो है कौन सी नागिन ने सबसे ज़्यादा पैकेज लिया था नागिन में काम करने का, और अब जो हसीनाओं के नाम सुनने में आ रहे हैं वो कितना पैकेज की डिमांड कर रही है। तो क्या वाकई ही इस बार एकता की तिजोरी खाली करा देंगी, या फिर इतनी भरपूर टीआरपी निकालेंगी कि एकता की तिजोरी भर जाएगी? तो चलिए बताते हैं कुछ नागिनों ने कितनी फीस ली थी। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी प्यारी मोनी रॉय की, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सीजन में काम किया था। ऐसे में अब ये बॉलीवुड में जो है बड़ी बड़ी मूवी कर रही हैं और अपनी एक पहचान बना चुकी है। ऐसे में एकता से आज की डेट में भी इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। उन दिनों जो है इन्होंने जो है नागिन में 2 लाख रुपए पर एपिसोड फीस ली थी। ऐसे में आज की एक्टर्स जो फीस ले रही हैं, ये इन्होंने नागिन के फर्स्ट और सेकंड सीजन में इतनी फीस ली थी। अब बात करते हैं आपकी प्यारी अदा खान की, जो कि हमेशा ही एकता के शो में नज़र आती हैं। ऐसे में जो है इन्हें एकता काफ़ी प्यार भी देती है, फिर चाहे ये काली नागिन बनकर टीआरपी निकाल दे। ऐसे में इन्होंने पर एपिसोड 70,000 लिया था, यानी कि 70,000। फिर आती हैं आपकी प्यारी सुरभि ज्योति। भाई, इन्हें फैंस ने नागिन के लुक में बहुत पसंद किया था, उसके बाद जल्दी से ये किसी प्रोजेक्ट पर नज़र नहीं आई, म्यूजिक वीडियो वगैरह में नज़र आई। अब मैडम जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली है, जो कि इन्होंने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस को ये खबर और खुशी दोनों दे दी है। ऐसे में जो है इन्होंने जो है पर एपिसोड लिया था आपका, जब न्यूज़ आई थी कि 60,000 रुपये इन्होंने पर एपिसोड लिया था, तो ऐसे में ज़्यादा नहीं था अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से जिस तरह इन्हें पहले शो में कम मिलता था उसके हिसाब से इन्हें बहुत ज़्यादा मिला था। फिर आती है आपकी प्यारी अनीता। भाई, ये तो कहें कि एकता के बिल्कुल घर जैसी हैं या घर के मेंबर जैसी हैं। ऐसे में जो है इन्होंने जो है पर एपिसोड 1 लाख लेती है। जब भी ये शो में आ जाती है, यकीन मानिए 4 चांद बढ़ जाते हैं। वैसे एकता की यह मोहब्बत जैसे शो में भी ये नज़र आ चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब फिर ये नागिन के नए सीज़न में नज़र आ सकती हैं। अब बात आती है आपकी करिश्मा तमन्ना की। भाई, ये जो हैं कह सकते हैं कि एकता की बनाई हुई एक्टर्स हैं। ऐसे में इन्होंने पर एपिसोड नागिन का 50,000 लिया था। फिर आती हैं आपकी प्यारी निया शर्मा। ऐसा लगता है नागिन के बाद तो इनके फ्यूचर पर एक ब्रेक सा लग गया है। भले ही जो है नागिन के बाद इन्होंने काफ़ी शो किए, या कहें झलक दिखला जाए या फिर म्यूज़िक वीडियो, लेकिन वो हिट लिस्ट में नहीं गए। ऐसे में जो है इन्होंने नागिन में जो है 40,000 पर एपिसोड लिया था। ऐसे में बात करते हैं आपकी प्यारी सुरभि चन्ना की, जो कि भैया पूरी छा गई थी। इनकी जोड़ी इतनी हिट हुई थी वाणी के नाम से कि बस फैंस जो है ट्विटर पे लगातार ट्रेंड करते थे, लेकिन टीआरपी इतना अच्छा निकल कर नहीं आई थी। अब मैडम जो है कहीं ना कहीं फिलहाल आज की डेट में ट्रोल के हत्ते भी चढ़ रही है। ऐसे में जो है जल्दी ये शादी के बंधन में बनने ही वाली है, तो ऐसे में भाई शॉपिंग करना और जो डिजाइनर से ड्रेस मांगना ये सब करना तो चलता ही रहता है। उसी के बीच में मैडम ने नागिन में 1 लाख पर एपिसोड की सैलरी उठाई थी। ऐसे में पर एकता ने बाद में इनकी सैलरी कम कर दी थी और इन्हें 60,000 पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि भाई इनकम बिल्कुल नहीं हो रही थी। शुरुआती में इन्हें दिया था, लेकिन बाद में इनकी सैलरी पैकेज कम कर दिया गया था। फिर आती हैं आपकी प्यारी जो है तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश को शुरुआती दिनों में इन्होंने थोड़े से कम रेट में रखा था, फिर उसके बाद तुरंत एकता ने इनके 2 लाख पर एपिसोड कर दिया था। ऐसे में ये सबसे जो है आज की डेट में कह सकते हैं एकता की काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट शो रहा है तेजस्वी प्रकाश का नागिन। ऐसे में बात आती है आपकी उन्हीं के अपोजिट जो महक खड़ी थी, जो नीली नागिन बनकर आई थी। ये मैडम
मुझे इनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगी थी। ऐसे में जो है इन्होंने जो है 1 लाख पर एपिसोड लिया था। ऐसे में जब इन्होंने 1 लाख पर एपिसोड लिया तो आप समझ सकते हैं इनकी एक्टिंग में दम है। बात आती है अंकिता लोखंडे का नाम काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड बताया जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ आ रही है कि एकता से काफ़ी मोटी रकम मांगी है आपकी अंकिता ने, शायद 3 लाख की खबरें आ रही है कि पर एपिसोड का 3 लाख मांग रही है। तो क्या एकता इन्हें 3 लाख देंगी, अपने शो में 4 चांद लगाएंगी, या ये शो की TRP निकाल सकती हैं? अब आप बताइए इनके चाहने वाले कितने हैं और कितनी TRP निकाल कर दे सकते हैं। इनमें से आपको किस एक्टर्स की सैलरी बिल्कुल सही लगी कि बिल्कुल सही दी गई है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।